कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई। मैम इनका नाम क्या था? इनका नाम था सगुन उमरे। आनंद की शादी हुई थी, माँ बाप नहीं है, सास ससुर नहीं है हमारे, हम ही लोग ने शादी की। तो बिट्टी की जब शादी 3 फरवरी की शादी थी और 4 की विदा थी, ये लोग 4 को विदा होके गए हैं। तब फोटोज वगैरह भी आप देख लो, बिल्कुल स्वस्थ लड़की गई है, सब कुछ सही रहा है। हमें 7 तारीख को हम लोग कानपुर शादी में अटेंड करने जा रहे थे, हस्बैंड और मैं और बिटिया मेरी। तो इन लोग का फ़ोन आया कि 11:30 बजे के लगभग फ़ोन आया कि कह रहे हैं कि आपने ये बताइए कौन सी बीमारी छुपा के शादी कर दी है। हमने कहा आपने शुरुआत से देखा सुना, उसको कभी बुखार तक नहीं आया है और आप कह रहे हैं बीमारी, बोली नहीं वो देखो वो पलटी कर रही है। हमने कहा हो सकता है, हमने ऐसा नहीं सोचा कि कुछ बड़ी बात है, हमने सोचा शायद सर्दी अर्दी लग गई हो। तो इन्होंने स्वयं नहीं दिखाया वहाँ पे कि स्वयं गए हो, स्वयं इनको एडमिट कराना चाहिए, हमको फ़ोन करके भेज रहे हैं। तो हम शादी अटेंड ना करके सीधे उरई चले गए, कानपुर से उरई पहुँचे। उरई पहुँच के तुरंत लड़की को ला के हमने विमल नर्सिंग होम सर्वोदय नगर में एडमिट कराया। वहाँ पर भी इन्होंने जो मेन समस्या थी इनकी वो नहीं बताई, ये सिर्फ बताया कि पलटी हो रही है, लैटिन डिहाइड्रेशन का उसका इलाज चलता रहा। डिहाइड्रेशन के इलाज के बाद जब उसको समस्या दूसरी थी, इन्होंने जो दमान था वो भी था साथ में, लड़की का हस्बैंड वो भी था, तो उसने भी नहीं बताया। लड़की ने शर्मवश नहीं बताया कि समस्या क्या है। और जब थोड़ा सा पलटी उसमें आराम लग गया, ये हुआ कि घर में बच्चे अकेले हैं, यहाँ पे मेरे घर पे कोई नहीं था, तब हम लोग आए तो वहाँ आराम लग गया था, आ गए। ये हुआ कि जो दवा है यहाँ देते जाएंगे उन्हीं के प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू, उन्होंने दवा पूरी दी कि आप तीन खुराक दवा थी, आप आराम लग जाएगा। जब आराम नहीं लगा तब मैंने लड़की को जोर बस पूछा कि क्या समस्या है, तब उसने हमको रियल समस्या बताई कि इस लड़के ने दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, जिस कारण वो गायनो को दिखाया तो गायनो ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो, इस तरह से इसकी बॉडी पूरी उसी से इन्फेक्शन फैल गया पूरा। क्या आपने थाने में वहाँ तहरीर दी या कुछ किया? कहाँ पे? पुलिस में कोई कार्रवाई की अभी आपने? हमने अभी कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जब ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे तो हम लोगों ने कानपुर में पीएम करवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। आप लोगों ने एप्लीकेशन नहीं दी कानपुर में? नहीं।